दिल्ली के आसमान में उड़ते हुए दो प्लेन की ऐसी भयानक टक्कर जिसमें 349 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौत के खौफनाक मंजर की ऐसी तस्वीर जिसे दिल्ली के लोग मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। इतिहास में जब कभी हवाई दुर्घटनाओं की बात होगी तो चरखी दादरी में हुए दो प्लेन की टक्कर सबसे भयानक हादसे के रूप में सामने आएगी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया के सबसे आधुनिक और बिजी एयरपोर्ट में शामिल है, जिससे हर साल लगभग 60 मिलियन यात्री 58 डोमेस्टिक और 62 इंटरनेशनल शहरों के लिए उड़ान भरते हैं। अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक हर साल लगभग 100 मिलियन यात्री दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करेंगे। लेकिन 1990 के दशक में दिल्ली एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के हिसाब से इतना विकसित नहीं था। हालांकि उस वक्त भी आधे से ज्यादा भारतीय इंटरनेशनल उड़ान के लिए इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण दिल्ली का एयर स्पेस काफी बिजी रहता था। 2010 में अपने आधुनिकीकरण से पहले दिल्ली एयरपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, जिस कारण से एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने और जाने के लिए केवल एक ही एयरवे उपलब्ध था। आमतौर पर इस तरह के बिजी एयरपोर्ट पर आने और जाने के लिए अलग अलग एयरवे होते हैं, जिसके कारण फ्लाइट को मैनेज करना काफी आसान होता है। इसके अलावा उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल एक ही रडार उपलब्ध था, जिसका मुख्य मकसद एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ट्रैफिक को कंट्रोल करना था। आमतौर पर बड़े एयरपोर्ट्स पर दो रडार होते हैं। पहले रडार से फ्लाइट ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, वही दूसरे रडार को आने और जाने वाली फ्लाइट्स की हाइट और स्पीड वगैरह जानने के लिए काम में लाया जाता है। यही दोनों कारण हमारी आज की केस स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 12 नवंबर 1996, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 सऊदी अरबिया के दाहरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। बोइंग 747 सीरीज के इस प्लेन में उस दिन 289 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उस दिन इस फ्लाइट का नेतृत्व 45 वर्षीय कप्तान खालिद अल शुबाइली कर रहे थे, जिनका साथ फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस दे रहे थे। उस दिन इस फ्लाइट में सफर करने वाले ज्यादातर लोग सऊदी में काम करने वाले वर्कर्स थे, जिसमें से ज्यादातर लोग हिंदुस्तानी और कुछ नेपाली नागरिक भी थे। वैसे तो ये एक नॉर्मल उड़ान थी, लेकिन उस दिन इस फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों की नागरिकता को लेकर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ असमंजस के हालात बने हुए थे, जिसके कारण फ्लाइट के डिपार्चर में कुछ देरी भी हो रही थी। शाम के लगभग 6:20 पर सऊदी अरेबियन फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस किया और टैक्सी वे से होते हुए फ्लाइट रनवे पर आ गई। कंट्रोलर टावर से परमिशन मिलने के बाद लगभग 6:30 पर फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। अपने निर्धारित फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए सऊदी अरेबियन फ्लाइट ने मिडिल ईस्ट जाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में अपना क्लाइम शुरू किया। उस दिन दिल्ली एयर स्पेस में आने और जाने वाली फ्लाइट को 42 वर्षीय कंट्रोलर वीके डुट्टा गाइड कर रहे थे। 1980 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद दत्ता ने अपने कैरियर में काफी उपलब्धियां और प्रमोशंस हासिल किए थे। एक बिजी एयर स्पेस होने के बावजूद कंट्रोलर दत्ता काफी सूझबूझ के साथ सऊदी अरेबियन फ्लाइट को गाइड कर रहे थे। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली फ्लाइट के लिए केवल एक ही एयरवे था। G452 के नाम से निर्धारित ये एयरवे दिल्ली एयरपोर्ट से चरखी दादरी होते हुए वेस्ट साइड में जाता था और आने जाने वाली सभी फ्लाइट सिर्फ इसी रूट का इस्तेमाल करती थी। हालांकि किसी भी तरह के एयर कोलिजन से बचने के लिए इस एयरवे से गुजरने वाली हर फ्लाइट के बीच में कम से कम 1000 मीटर का हाइट डिस्टेंस होना अनिवार्य था। कंट्रोलर वीके दत्ता जब सऊदी अरेबियन फ्लाइट को गाइड कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी। UN 76435 नाम से रजिस्टर ये फ्लाइट 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स के साथ कजाकिस्तान के चिमकेंट एयरपोर्ट से उड़कर दिल्ली आ रही थी। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, जिसमें यात्रा करने वाले ज्यादातर पैसेंजर्स कजाकिस्तान नागरिकता वाले रूसियन थे, जो शॉपिंग करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट को 44 वर्षीय कप्तान अलेक्जेंडर चेरेपानोव उड़ा रहे थे।
जो 10,000 फ्लाइंग आवर्स के साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। इसके अलावा फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर एरमेक जंगीरोव और फ्लाइट इंजीनियर अलेक्जेंडर चुप्रोव के साथ दो और तकनीकी लोग फ्लाइट क्रू का हिस्सा थे। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेन था, जिसे आमतौर पर भारी सामान ढोने के लिए काम में लाया जाता था, लेकिन कुछ केबिन बदलाव करके इस फ्लाइट में कार्गो के साथ साथ पैसेंजर्स के लिए भी जगह बनाई गई थी। दिल्ली के एयर स्पेस में आते ही कजाकिस्तान एयरलाइन के रूट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी कंट्रोलर वीके डुटा की थी, जो सऊदी अरेबियन फ्लाइट के साथ साथ अब कजाकिस्तान एयरलाइन को भी गाइड कर रहे थे। कंट्रोलर डुटा ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उसी हाइट पर उड़ते हुए आगे बढ़ने को कहा। कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सऊदी के कप्तान फ्लाइट को 14,000 फीट पर ले जाकर उड़ाने लगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार उपलब्ध था, जो सिर्फ मॉनिटर पर फ्लाइट को ब्लिंक करते हुए दर्शाता था। सेकेंडरी रडार ना उपलब्ध होने के कारण कंट्रोलर डाटा मॉनिटर पर फ्लाइट की हाइट या स्पीड इत्यादि नहीं देख पा रहे थे। उस वक्त दुनिया के लगभग सभी बड़े और बिजी एयरपोर्ट्स पर सेकेंडरी रडार की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स प्लेन की पोजीशन के साथ साथ उसकी स्पीड और हाइट को भी मॉनिटर पर देख सकते थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सेकेंडरी रडार लगाने की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारणों के चलते इसे लगाने में देरी हो रही थी। सेकेंडरी रडार न होने के कारण कंट्रोलर डुट्टा पूरी तरह से फ्लाइट क्रू द्वारा दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के आधार पर ही फ्लाइट को मॉनिटर और गाइड कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास और कोई माध्यम नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो किसी फ्लाइट की सही हाइट या स्पीड का पता कर सके। इस तरह की सिचुएशन में फ्लाइट क्रू के साथ अच्छा तालमेल और कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कंट्रोलर किसी भी फ्लाइट की स्पीड या हाइट वगैरह जानने के लिए पूरी तरह से फ्लाइट क्रू पर ही निर्भर होता है। सऊदी अरेबियन फ्लाइट अब 14,000 फीट पर उड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, और वही कजाकिस्तान एयरलाइन भी अब धीरे धीरे नीचे आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रही थी। 23,000 फीट पर उड़ते हुए कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट को कंट्रोलर डुट्टा ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए कहा, ताकि 14,000 फीट पर उड़ रही सऊदी अरेबियन फ्लाइट बिना किसी परेशानी के उसके नीचे से गुजर जाए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंट्रोलर डाटा ने दोनों फ्लाइट्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी कि वो अपनी निर्धारित हाइट पर ही उड़े, ताकि दोनों फ्लाइट्स कम से कम 1,000 फीट की दूरी से एक दूसरे को क्रॉस कर पाए। दिल्ली एयरपोर्ट जैसे इतने बड़े और बिजी एयरपोर्ट के ट्रैफिक को इतने साल कुशलता से संभालने के कारण कंट्रोलर दत्ता इस तरह की सिचुएशन को भली भांति समझते थे। इसलिए उन्होंने कजाकिस्तान एयरलाइन को साफ साफ कहा कि वो भी अपने नीचे से गुजरती हुई सऊदी अरेबियन फ्लाइट पर नजर रखे। लेकिन अब बात आती है इस दुर्घटना के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कारण की। कजाकिस्तान एयरलाइन के क्रू को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह नहीं आती थी, जिस कारण ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करने में काफी दिक्कत हो रही थी। जहां कंट्रोलर डुट्टा अपनी सभी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल साफ साफ समझा रहे थे, वही कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट क्रू में कुछ कंफ्यूजन के हालत बने हुए थे। अच्छी तरह इंग्लिश न आने के कारण पायलट्स कंट्रोलर डुट्टा के इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। इंग्लिश के अलावा कजाकिस्तान पायलट्स कंट्रोलर डुट्टा द्वारा बताई जा रही हाइट लेवल को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कंट्रोलर डुट्टा हाइट को फीट में बता रहे थे, लेकिन उन दिनों कजाकिस्तान पायलट्स हाइट को मीटर में मापते थे, और इसलिए उन्हें कंट्रोलर डुट्टा द्वारा बताई जा रही हाइट को समझने और कैलकुलेट करने में बहुत परेशानी आ रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इंग्लिश ना आने के कारण कंट्रोलर डुट्टा की बात न समझ पाने और मीटर और फीट में कंफ्यूजन के कारण कजाकिस्तान पायलट्स प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए, जहां सऊदी अरेबियन फ्लाइट अपनी निर्धारित ऊंचाई 14,000 फीट पर जा रही थी। उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से कजाकिस्तान फ्लाइट भी 14,000 फीट की ऊंचाई से लैंड करने के लिए आ रही थी। आमतौर पर ऐसी हालात में पायलट्स दूसरे प्लेन को देखकर भी बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त दोनों प्लेन्स बादलों में प्रवेश कर जाते हैं,
जिसके कारण दोनों में से किसी भी फ्लाइट के पायलट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही फ्लाइट को नहीं देख पाए। हादसे से कुछ सेकंड्स पहले कजाकिस्तान फ्लाइट के पायलट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी भरकम कजाकिस्तान फ्लाइट का लेफ्ट विंग सऊदी अरेबियन फ्लाइट के राइट इंजन और विंग को फाड़ता हुआ निकल जाता है। एक बड़े धमाके के साथ सऊदी अरेबियन फ्लाइट हवा में ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। वही कजाकिस्तान फ्लाइट भी थोड़ा और आगे जाकर क्रैश हो जाती है। कई किलोमीटर के एरिया में दोनों प्लेन का मलबा और लाशों के टुकड़े फैल जाते हैं। दोनों प्लेन्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। तबाही के उस भयानक मंजर को चरखी दादरी के लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इन सबसे अनजान कंट्रोलर दुट्टा अपने मॉनिटर पर पास आती दोनों फ्लाइट की डॉट्स को देख रहे थे और मान रहे थे कि आपस में मिलने के बाद ये दोनों फ्लाइट डॉट्स फिर से अलग अलग होकर दूर चली जाएंगी। लेकिन तभी अचानक दोनों फ्लाइट डॉट्स मॉनिटर से गायब हो जाती है। किसी अनहोनी की आशंका से परेशान कंट्रोलर डुटा बार बार दोनों फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कोई जवाब न मिलने के कारण उनकी चिंता बढ़ती चली जाती है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा अमेरिकन एयरफोर्स प्लेन का पायलट कंट्रोल रूम में कॉल करके कहता है कि उन्होंने अभी अभी आसमान में एक तेज धमाका और रोशनी देखी है, और इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है कि दोनों फ्लाइट्स आपस में टकराकर क्रैश हो चुकी है। मानव इतिहास में दो प्लेन के हवा में टकराने की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी जिसमें 349 मासूम लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया और भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट जज रमेश चांद्रा लाहोटी की अगुवाई में लाहोटी कमीशन का गठन करके इसकी जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का मुख्य कारण कजाकिस्तान पायलट्स का कंट्रोलर दुट्टा की इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करना पाया गया। कंट्रोल टावर की इंस्ट्रक्शन को ठीक से ना समझ पाने के कारण कजाकिस्तान पायलट्स अपनी फ्लाइट को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट ऊपर ले आए, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ये हादसा इतना बद्धा और दुखद था कि इसकी जांच के तुरंत बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट सेफ्टी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाए। दिल्ली आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स के लिए TCAS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया। TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो दो प्लेन को हवा में एक दूसरे से टकराने से बचाता है। प्लेन्स की हाइट और स्पीड का सही सही पता लगाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार को भी लगाया गया। इसके अलावा आने और जाने वाली फ्लाइट्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर दो अलग अलग एयरवेज बनाए गए ताकि दो प्लेन्स सुरक्षित गुजर सके और इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके।